शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। जस्टिस शाहिद वहीद कल दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत करेंगे। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा उमर शाकिर से। जी उमर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। दरख्वास्त शहरी जावेद इकबाल काजी की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाने का इकदाम जो है वो चैलेंज किया गया था। ये दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद कल इस दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत करेंगे। शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त में वज़ीर आज़म इमरान खान, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और दिगर को फरीब बनाया गया है। दरख्वास्त में मौका भी अख्तियार किया गया है कि करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम को कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नैब, FIA और दिगर इदारों को तलब करके दबाव में ला सकते हैं। दरख्वास्त में निशानदेही की गई है कि कौमी असम्बली रूल के तहत करप्शन में मुलविस शख्स को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं लगाया जा सकता, लिहाजा अदालत शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाने का इकदाम गलत करार दे। ठीक है, दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया उमर शाकिर आपका।